नगर निकाय चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। पहले चरण में मथुरा में मतदान संपन्न होना है 4 मई को। इसके लिए सोमवार को आखिरी दिन हुआ नामांकन का, जिसमें बड़ी संख्या में तमाम राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन कर अपने अपने क्षेत्र से पार्षद और महापौर के लिए दावेदारी ठोकी। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान रखती है, केंद्र सरकार से लेकर के लोकल राजनीति तक बहुत बड़े स्तर पर इसके कार्यकर्ता इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और आज के समय पर, क्योंकि ये पार्टी अपने आप में हर जगह पर अपनी मौजूदगी दर्शाती है, तो तमाम राजनीतिक लोग, तमाम कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं कि इस पार्टी के माध्यम से ही, जब वो सेवा कर रहे हैं लगातार, तो उन्हें इसी पार्टी से, अपनी ही पार्टी से टिकट मिले और जिसके सिंबल पर ये अपने क्षेत्र में अपने अपने पदों के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर सकें। लेकिन क्षेत्र एक, टिकट एक, लेकिन दावेदार अनेक। ऐसे में पार्टी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से टिकटों का वितरण करें, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के साथ उनका सहयोगात्मक रवैया हमेशा अपने साथ बनाए रखे। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। टिकट वितरण के साथ ही मान मनवल और नाराज़गी का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए ऐसे तमाम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो टिकट न मिलने पर नाराज़गी और मायूस चेहरों के साथ में अपने घरों में बैठे हुए हैं। ऐसे ही एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही एक कार्यकर्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वार्ड संख्या 61 से। आपको बता दें कि वार्ड संख्या 61 में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद पद के लिए रचना रामकिशन पाठक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उनके उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद में कुछ कार्यकर्ताओं में नाराज़गी व्यक्त बन चुकी है। आखिर हो भी ऐसा क्यों ना, क्योंकि उनका कहना है कि वो भी पिछले कई वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए निस्वार्थ तरीके से अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो जिसका फल वो चाहते हैं कि पार्टी के द्वारा उनको दिया जाए, लेकिन उनको नहीं दे पाए। ऐसे एक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। आखिर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वो चाहते थे, क्या हुआ और नाराज़गी का क्या कारण है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद चतुर्वेदी है जी। भारतीय जनता पार्टी होलीगेट मंडल स्वामीघाट सेक्टर संयोजक भी हूँ वर्तमान में जी। और संगठन के प्रति जो भी मुझको कार्य मिलता है उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाने में तत्पर रहता हूँ। और आशा करता हूँ कि आज भी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे इस क्षेत्र में करीब 25 साल से पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है टिकट का चयन। बार बार चयन प्रक्रिया में व्यक्ति विशेष के द्वारा चयन किया जाता है और पूरे संगठन को मूकदर्शक बने रहना पड़ता है। ये मुझसे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा भाई क्यों, और हर बार क्यों, जब हम जान रहे हैं कि हम लोग 5 बार से हार रहे हैं, फिर भी संगठन द्वारा व्यक्ति विशेष को ही मेन हिटलर, सिकंदर, जो भी आप बोल सकें, बनाया जाता है और वही व्यक्ति टिकट आवंटन करता है और ऐसे व्यक्तित्व को लाके खड़ा कर देता है जो व्यक्ति कभी क्षेत्र में ना आया हो, जिसने कभी संगठन के प्रति क्षेत्र में कोई कार्य न किया हो। हम लोग यहाँ पर वोटर को परिचित हैं, वोटर हमारे कहने से वोट देता है, लेकिन हर बार वोटर हमारा छला जाता है। क्यों? कि प्रत्याशी उसको नहीं समझ में आता है, सबसे मेन रीजन प्रत्याशी उसको समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए संगठन के द्वारा ऐसा कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाया जाता है कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति संगठन के 12 महीना कार्य को करता है, ऐसे व्यक्ति को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति कभी संगठन से जुड़ा ही नहीं है या कभी क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, जो क्षेत्र में व्यक्ति उसको जानता ही नहीं है, ऐसे व्यक्तित्व को लाके सामने संगठन पर उस देता है। नतीजा पराजय होती है और हम लोग इस बार भी सतत लगे हुए हैं। संगठन ने जिसको भी टिकट दिया है, हम उसके द्वेष में नहीं है, बट संगठन से नाराज़गी हमको ये महसूस हो रही है कि संगठन हम जैसे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज क्यों करता है। आपका ये कहना है कि पिछले 5 बार यानी कि 25 वर्ष जी, भाई बहुत बड़ा कार्यकाल, बहुत बड़ा समय होता है, इतने समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजय हासिल नहीं कर पाया जी। उसके बाद में जो जमीनी स्तर पर आप जैसे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनको देखा नहीं जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और टिकट वितरण की जो व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता नहीं है या अनदेखी की जाती है, आप क्या कहेंगे? नहीं, पारदर्शिता नहीं है, अनदेखी भी की जाती है, पारदर्शिता भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं अपने मंडल के अध्यक्ष श्री लोकेश जी तायल, हमारे महानगर अध्यक्ष विनोद जी अग्रवाल, हमारे MLC ओम ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी, हमारे श्रीकांत जी शर्मा,
और हमारे मास्टर साहब श्री गोपेश्वरनाथ जी, इसके अलावा और भी हमारे संगठन के जो करीब 25 व्यक्ति हैं जिनसे मैंने टिकट के लिए अपनी धर्म महिला पाई रही हमारा और अपनी धर्मपत्नी के लिए मैंने टिकट मांगा। इन 2500 व्यक्ति ने मुझको आश्वासन दिया कि संगठन इस पर विचार करेगा, लेकिन विचार न करके व्यक्ति विशेष द्वारा मौनम में टिकट दे देना और हम सभी कार्यकर्ताओं को केवल जिंदाबाद फर्श बिछाना, केवल अपने तन मन धन से समर्पित कार्यकर्ता के प्रति इस तरह के रुख से हमको थोड़ा मन में रोष प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है तन से मन से धन से, जैसा शरद जी ने खुद अपने आप बताया कि तन से मन से धन से तीनों ही प्रकार से वो पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति है। ऐसे में जब वो उम्मीद करता है कि उसे भी पार्टी के द्वारा देखा जाना चाहिए, तब वो उसे नज़रअंदाजगी का जब सामना करना पड़ता है तो मन में रोष आता है। ऐसा ही इनका भी कहना है कि पिछले 5 बार से यानी कि 25 वर्ष से इस वार्ड संख्या 61 जो इस बार बनाया गया है नगर निगम के द्वारा, पूर्व में किसी अन्य संख्या के नाम से बनाया जाता था, लेकिन इस बार जो वार्ड संख्या 61 है इसमें महिला वार्ड है, इसमें पिछले 5 बार से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी विजय हासिल नहीं कर पाया, अन्य पार्टी के लोग ही इस सीट से काबिज रहे। ऐसे में प्रतिद्वंद्विता और चैलेंजिंग का भाव जल्दी जागृत हो जाता है कि इसमें आखिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल क्यों नहीं कर पाता है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता जी जान से जुटते हैं जैसा कि शरद जी ने बताया भी, परंतु टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं रखी गई, टिकट वितरण में ऐसी चीज़ें व्यवस्थित नहीं की गई कि हर एक चीज़ को देखा जाए, ऐसा शरद जी का कहना है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में पार्टी किस तरीके की व्यवस्थाओं के बीच इस हारी हुई सीट को पुनः अपने कब्जे में कब तक हासिल कर पाती है, या फिर एक बार फिर से इस सीट को बीजेपी को अपने हाथ से गंवाना होगा, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि 4 मई को मतदान होना है, उसके बाद में मतगणना की प्रक्रिया और रिजल्ट सभी के सामने आ जाएगा। तभी व्यवस्थाएं ऐसे कार्यकर्ताओं को बना के रखना, ऐसे कार्यकर्ताओं का सहयोग बना के रखना, ये प्रत्येक पार्टी का दायित्व बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं शरद जी की बातों से ये झलक रहा है कि पार्टी उनको क्या उन जैसे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है, जिसका इन्हें काफ़ी अफसोस और रोष भी है। TV10 न्यूज़ के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगी साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ मोहित चतुर्वेदी।